मैं ये रखना चाहता था कि उन्हीं के पेपर में आरएसएस के जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर 30 नवंबर 1949 में अंक में संपादकीय में लिखा था, भारत के इस नए संविधान की सबसे बुरी बात यह है कि इसमें भारतीय कुछ भी नहीं है। प्राचीन भारत के अद्भुत संवैधानिक विकास के बारे में इसमें कोई जिक्र ही नहीं है। आज तक मनुस्मृति में दर्ज मनु के कानून दुनिया की प्रशंसा का कारण है। ये किसने कहा? ये ऑर्गेनाइजर ने, आरएसएस ने, जनसंघ के जो लोग थे उस वक्त उन्होंने कहा, और वे स्वयं स्फूर्ति आज आज्ञाकारी और अनुरूपता पैदा करते हैं। हमारे संवैधानिक विशेषज्ञों ने ये बात निरर्थक है। उन्होंने ये कहा कि यहाँ तक जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर से किए हैं ये गलत है। उन्होंने उस वक्त अपोज करके इस संविधान को उन्होंने नकार दिया था, और आज उसकी रक्षा की खुद बात करते हैं और हमारे को बोलते हैं कि हम संविधान विरोधी हैं। अरे खुद विरोधी है, जन्मता ही विरोधी है। इसका जन्म शुरू हुआ उस दिन से इन्होंने बहुत से पुतले जलाए, अंबेडकर के, नेहरू जी के पुतले जलाकर रामलीला मैदान में उन्होंने ये सब काम किया। आज ये बोल रहे हैं कि हम संविधान के विरोधी हैं। संविधान बचाओ हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें आरएसएस की मंशा क्या है, जनसंघ की मंशा क्या थी, और बीजेपी की आज जो मंशा क्या है। ये बार बार ये भी कहते हैं बाबा साहब अंबेडकर को इन्होंने इज्जत नहीं दी, उन्होंने सब कुछ उनको हरा दिया, ऐसी गलत बातें यहाँ पर भी कही गई, वहां पर भी वो कहे। कल हमारे नड्डा साहब ने वहां भी कहा।